हर डे की शुरुआत होती है नाश्ते से। इनफैक्ट छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे भी हम ब्रंच नहीं करते, यानी जो लेट ब्रेकफास्ट और फिर लंच का टाइम हो जाता है और ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच होता है, वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हम सब जल्दी ही उठते हैं छुट्टी वाले दिन भी। तो आज है लेफ्ट ओवर पराठे का आटा, मटर के पराठे मैंने बनाए थे और इसकी रेसिपी द टेरेस किचन पर मैंने पोस्ट की है। तो वैसा ही मैंने आटा बनाया था, तो लेफ्ट ओवर है, फटाफट मैं इसके पराठे भी बना रही हूँ हमारे नाश्ते के लिए। हरे मटर के ये पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, बनाने में भी बहुत आसान है। और अगर बच्चे मटर नहीं खाते हैं तो उन्हें मटर खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ऐसे तो राहिन ने मटर पसंद नहीं करता है, लेकिन पराठे में मटर वो खा लेता है। अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में है फुलके, दाल लौकी और साथ में मशरूम का सूप। तो ये तीन चीज़ें तीनों की तीनों ही हेल्दी है, अच्छी है, सिंपल घर का कंफर्ट फूड। इस तरह से बने हुए गर्मा गर्म फुलके अगर सिर्फ घी डालकर भी खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर हम लोग सब साथ में खाना खाने बैठेंगे इसलिए मैंने सारी रोटी बना ली है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ शूटिंग की। तो वीडियो शूटिंग के लिए मैं तैयार होती हूँ और अगर कैमरा फेसिंग शॉट है तो मेकअप भी कर लेती हूँ। ये येलो टॉप आपने और भी वीडियोस में देखा होगा, लिंक्स भी आपने मांगी, लेकिन ये मीशो का है, पुराना है, इसका कोड था और अभी आउट ऑफ स्टॉक है। शूटिंग के बाद अब बारी है वॉइस ओवर की, तो एडिटिंग मैं करूंगी और उसके बाद वॉइस ओवर। शाम हो गई है और मैं और अभी सोच रहे हैं कि एक जरा स्ट्रोल लेकर आएंगे। आई और राहिन ने गए हैं नीचे पार्क में, यानी सोसाइटी में ही जो पार्क है वहां पर, और हम दोनों जा रहे हैं वॉक के लिए। वॉक के साथ साथ हम सोच रहे हैं थोड़ी सब्जियां भी खरीद लेंगे और मेरा मन है वड़ा पाव खाने का, तो थोड़ा वॉक भी कर लो और साथ में वड़ा पाव भी खा लो। गर्मा गर्म वड़ा पाव साथ में थोड़ी सी चटनी और तली हुई हरी मिर्ची, ये बोलते बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप समझ सकते हैं शायद ये वीडियो यहाँ पर देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा अगर आपको वड़ा पाव पसंद है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ ये गर्मा गर्म वड़ा पाव। राहिन ने कर रहा है अपने स्कूल का होमवर्क। Carrot, leaf, book, cat, banana, jacket. Banana? Jacket, hockey ball, gift, sharks. आज भी एक रेगुलर रूटीन वाला ही डे है, कुछ अलग प्लान नहीं है। वेल, हर किसी की लाइफ में हर दिन कुछ एक्साइटिंग और बहुत अलग हो ऐसा ज़रूरी ही नहीं है। रादर यही रियल लाइफ है कि एवरी डे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता है, वही चीज़ रिपीट में शुरू हो जाती है एंड इसे ही हम रूटीन लाइफ भी बोलते हैं। राहिन ने नहाकर स्कूल के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बाल बनाने बाकी है और अब ये नाश्ता कर रहा है। आज नाश्ते में आई ने पराठे बनाए हैं, तो पराठे हैं और साथ में चाय। पराठे और चाय, फिर अलग अलग तरह के पराठे हो, गूंधे हुए ठेपले टाइप के हो या फिर स्टफ्ड पराठे हो विद अ कप ऑफ टी, ये बहुत ही सिंपल एंड अच्छा ब्रेकफास्ट है। नाश्ता हो गया, एक अर्जेंट वॉइस ओवर था वो मैंने कर दिया है, अब मैं दवाई ले रही हूँ। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं हॉस्पिटल गई थी सांगली में, और अभी फिलहाल 2 महीने की ट्रीटमेंट चल रही है और 2 दवाई सुबह और 2 दवाई रात को, ऐसे मैं लेती हूँ। शूट के लिए मैं रेडी हो गई हूँ एंड ये मैंने टॉप पहना है, ये मैंने रिसेंट में एक हॉल वीडियो में भी दिखाया था। टी शर्ट लाइक है, काफी सॉफ्ट है एंड गुड क्वालिटी। शूटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को मैं सही कर रही हूँ।
आज मेरी शूटिंग किचन में है। शूट खत्म हो गई है और मैं बैठी हूँ झूले पर। तो नॉर्मली झूले पर मैं इस टाइम पे बैठती हूँ और मम्मी को भी फोन करती हूँ। राहिने को दिन में दो टाइम दूध चाहिए होता है, तो एक तो सुबह और दूसरा जब वो दोपहर को सोकर उठता है। राहिने को चाहिए होता है मिल्क शेक, तो नॉट रियली मिल्क शेक, पर जो भी उसे मैं देती हूँ उसमें हैंड ब्लेंडर या फिर फ्रॉथर यूज कर लेती हूँ, तो उसे मिल्क शेक लगता है। राहिन ने प्लेन दूध भी पीना पसंद करता है, लेकिन साथ में उसे ग्रिट्सो सुपर मिल्क या फिर जो लिटिल जॉयस है, इन दोनों में से अल्टरनेट करके मैं चॉकलेट ड्रिंक बनाकर देती हूँ। राहिन के फेवरेट मग में ही उसे उसका मिल्क शेक चाहिए होता है। मिल्क पीने के टाइम पे राहिन्ने का डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट हो जाता है। शाम को या फिर रात को जब टीवी घर में चलता है, तब राहिन्ने अपनी बुक्स निकाल लेता है, नॉर्मली एक्टिविटी बुक्स या फिर कलरिंग बुक्स, और फिर उसका ध्यान पूरा इसमें होता है। टीवी देखने में उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली जब टीवी पर सीरियल्स चल रहे हों। सबसे पहले चेक कर लेती हूँ कि दूध डिलीवर हुआ है या नहीं। आई नाश्ता बना रही है तो मैं कर लेती हूँ योगा। योगा करने से ही होगा। पिछले दो तीन दिन मैंने नहीं किया, एंड मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर करूँ, बट आप समझ सकते हैं कि इतना रेगुलरली बाकी चीज़ों के साथ करना मुश्किल हो जाता है। पर यही मेरा गोल है कि कुछ भी हो जाए, 10 से 15 मिनट फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ या फिर आई नाश्ता बना रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं टाइम निकालूँ और करूँ ही। सो आई होप मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए और मोटिवेट कर पाऊँगी। क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ करनी है ये मुझे ध्यान में रखना है। मौसम चेंज हो रहा है, अब इतनी ठंड नहीं है, कुछ दिन पहले ज़्यादा ठंड होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब टेरेस पर बैठकर योगा करूंगी। हमारे टेरेस पर अर्ली मॉर्निंग की धूप आती है सामने की ग्रिल वाले हिस्से में, और बाद में वो चली भी जाती है। थ्रू आउट द डे हम टेरेस पर कभी भी जाकर बैठ सकते हैं, इस तरह का हमारा कूल एंड काम टेरेस होता है। डायरेक्शन ही ऐसी है बिल्डिंग की, ऐसा हम कह सकते हैं। राहिन रेडी हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है कपड़े चेंज करने, पर आज वैसे भी वेंसडे है और आज यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है स्कूल की, वेंसडे कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। सो ये अब बस सीनियर केजी तक ही है, नेक्स्ट सेशन से फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू हो जाएगा राहिन का। मैं शूट के लिए रेडी हो गई हूँ। आज मैं शूट कर रही हूँ इंस्टा कप्पा की केटल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी केटल है 1 लीटर की, एंड अंदर से ये ऐसी है, इसकी वायर है और ये नॉनस्टिक है अंदर से। क्यूट सी केटल है, इसमें दो तीन चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। क्या आपको इसका वीडियो देखना है? वैसे अगर आपको देखना है तो मैं अलग से पोस्ट करूँगी, यहाँ तो मैं शूटिंग के बीच में बस छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ। तो लाइट भी रेडी है, कैमरा भी रेडी है। 3 रेसिपीज में से एक रेसिपी डेमो था मैगी का, तो मैगी बन गई है गर्मा गर्म, में थोड़ी सी खा रही हूँ। हम लोग घर में मैगी नहीं रखते हैं, बहुत बहुत कम बनती है हमारे घर में मैगी, पर अब बनी ही है तो मैंने सोचा थोड़ी सी खाऊंगी और राहिन्ने को दूंगी, खुश हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें मैं बना रही हूँ पुलाव। ये ऑलमोस्ट बन गया है, बट लेट मी कंटिन्यू। कुकिंग वाले वीडियो में जब भी कैमरा फेसिंग शॉट्स खत्म हो जाते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ अपने बाल बांधना, तो बाल बांधकर ही मुझसे कंफर्टेबली कुकिंग होती है। शूट खत्म हो गया है और मैं झूले पर आकर बैठ गई हूँ। बहुत ही रिलैक्स्ड और अच्छा फील हो रहा है। पूरी छांव है टेरेस पर और हल्की हल्की हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। ये नज़ारा और ये जो थोड़ा सा क्वाइट टाइम है, इंजॉय करती हूँ मैं। एंड फिर उसके बाद तो ये ही काम एडिटिंग वाला विद कंप्यूटर ग्लासेस।
थोड़ी सी एडिटिंग के बाद अब जो नेक्स्ट ब्रेक लिया है अराउंड 5 to 5:30 हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। इस टाइम पे कुछ खाने का मन करता है तो मैंने सोचा कि एक बढ़िया सी चीज़ बनाई जाए। वेल, ये स्ट्रॉबेरी विथ आइसक्रीम मैं सर्व कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज जो हैं इस सीज़न में मिलती है, ठंड के मौसम में मिलती है, और ये एक पैकेट मुझे बहुत ही कम रेट में मिल गया था। हम जो स्ट्रोल करके हमारे सोसाइटी के अंदर से बाहर गए थे मेन गेट पर, वहाँ पर काफ़ी सब्जी वाले फ्रूट्स वाले होते हैं, और स्ट्रॉबेरी का एक डब्बा 200 ग्राम का मुझे 30 रुपीज़ में मिला। अभी फ़िलहाल 50, 60, 70, 100 ऐसे में अलग अलग डब्बे मिल रहे हैं, एंड ये 30 में मुझे मिल गया। एंड सच में स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी भी है। तो स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है सोडे वाले पानी में रख के, और चॉप करके इसमें मैं डालूंगी शुगर। इसमें पिसी हुई चीनी या फिर नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। नॉर्मल वाली अगर आप थोड़ी सी बारीक वाली डालेंगे और स्ट्रॉबेरी में मिक्स करके रखेंगे तो स्ट्रॉबेरी के एसिड से थोड़ी देर में ही वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर पिसी हुई चीनी अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा ये डिज़र्ट है, अच्छा लगता है, और ये सही मौसम है खाने का। तो बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत गर्मी आई नहीं है, क्योंकि गर्मी आ जाएगी तो स्ट्रॉबेरीज भी बंद हो जाएगी। मिक्स करते करते ही चीनी डिज़ोल्व होने लगती है और एक हल्का सा ग्लेज आ जाता है स्ट्रॉबेरी पर, और ये जो हल्की सी मिठास हम ऐड करते हैं इससे स्ट्रॉबेरी विद आइसक्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ ओनली विद आइसक्रीम, पर जो फ्रेश क्रीम आती है अमूल वाली ब्लू कलर के पैक में, उसे भी फ्रिज में रख के ठंडा करके इसके साथ सर्व किया जा सकता है, और आखिर में व्हिप्ड क्रीम से भी इसे टॉप किया जा सकता है। तो जो पूरा स्ट्रॉबेरी विद क्रीम है उसका मैं प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे विद वेनिला आइसक्रीम में इसे सर्व कर रही हूँ, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज हेवन। राहिन ने ड्रॉ कर रहा है उसका पॉपेट। राहिन के पास ऐसे गोल पॉपेट है विद स्क्वायर्स एंड बीच में सर्कल्स हैं, और एक लाइन जो है वो ज़रा ज़्यादा ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है राहिन की, और राहिन एकदम बेचैन हो गया है कि उसे इरेज करके वापस से ड्रॉ करना है। आज हमारे नाश्ते में और राहिने के टिफिन में मैं बना रही हूँ रागी यानी नाचने की इडली। तो कुछ दिन पहले मैंने द टेरेस किचन में इसकी डिटेल रेसिपी पोस्ट की, और जब वो वीडियो मैं एडिट कर रही थी तब राहिन ने आया और उसने कहा कि ये तो चॉकलेट जैसी इडली है, मुझे ये कल टिफिन में चाहिए। उसे मैंने 2 से 3 बार बताया कि मैं बनाऊंगी, बट ये चॉकलेट फ्लेवर वाली नहीं है एंड इट्स नॉट स्वीट, बट स्टिल उसने कहा कि उसे चाहिए, तो मैं आज उसे बनाकर दे रही हूँ। अगर आपको भी इसकी डिटेल रेसिपी देखनी है तो आप रागी इडली या नाचनी इडली द टेरेस किचन सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको डिटेल रेसिपी भी मिल जाएगी। ये बहुत हेल्दी होती है और इसके साथ अगर चटनी परोसी जाए तो कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। बैटर भी झटपट बन जाता है, बस 10 से 15 मिनट ही रेस्ट करना पड़ता है। राहिने ने कहा है कि उसे बड़े साइज की इडली नहीं चाहिए, छोटी इडली ही चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मिनी इडली बना लेंगे। साथ में मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। गीले नारियल की चटनी बहुत फटाफट बन जाती है और अच्छी भी लगती है, और इडली तो इसके बिना अधूरी है। ये बन गई राहिने के टिफिन के लिए मिनी इडली और हमारे नाश्ते के लिए रेगुलर साइज की इडली। एडिटिंग के साथ साथ मेरी स्नैकिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर है मेरे पास छोटे छोटे रेजिन्स। इवनिंग ब्रेक में हम लोग खा रहे हैं ये चूड़ा, तो हमने डीमार्ट से न्यू वाला एक चूड़ा खरीदा, खट्टा मीठा बड़ा पैकेट था काफी कम प्राइस में, एंड साथ में घर का बना हुआ चूड़ा।
इवनिंग में मैं राहिने का होमवर्क भी करवाती हूँ और कई बार वो मुझे बोलता है कि ये शीट मैं कंप्लीट कर लूँगा, आप जाके दूसरी जगह बैठो, तो बीच बीच में मुझे बस उसे गाइड करना पड़ता है और बाकी फिर वो कर लेता है अपने इंटरेस्ट से। राहिने को होम एंड मचमोर का ही ब्लॉग देखना है और उसके पापा उसको दिखा रहे हैं। सुबह हो या शाम हो, सोफे के कुशन्स और उसके जो कवर है उसको सही करना पड़ता है। पर ये जो कवर्स मैंने रखे हैं ये बहुत ज़्यादा जगह से खिसकते नहीं है, हार्डली थोड़े बहुत रिंकल्स आ जाते हैं जो हाथ से ही सीधी करके प्लेन हो जाती है। हाँ, बट कुशन्स जो हैं इन्हें मैं रोज़ फ्लफी करके रखती हूँ ताकि इनका शेप बना रहे। जिस प्रपोर्शंस में इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ रेसिपी में, वो नोट डाउन मैं कर देती हूँ ताकि जब भी मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करूँ तो वहाँ पर उतने ही क्वांटिटी में मेंशन करूँ, क्योंकि हर बार हम सेम क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं और अंदाजे से अगर मैं कर रही हूँ तो वो रेसिपी में काम नहीं करेगा। अगर कोई देख कर बनाना चाहता है तो उसे एग्जैक्ट रेसिपी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो मैं एक नोटबुक मेंटेन रखती हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ पालक दाल खिचड़ी और साथ साथ में शूटिंग भी चल रही है। पालक दाल खिचड़ी और साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स और उसके ऊपर लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का, ये कॉम्बिनेशन एकदम हेवनली है। सिंपल है बनाने में और खाने में भी मज़ा आ जाता है। खिचड़ी के साथ मैंने परोसा है थोड़ा सा अचार, दही और फ्राई किया हुआ पापड़। राहिने के पास ऑलरेडी एक बड़ा 50 क्रेयॉन्स का सेट है जो वो यूज़ कर रहा है और ये जो नया सेट है 25 कलर्स का, इसे देखकर वो टेम्प्ट हो रहा है। तो हमने उसे कहा है कि जब पहले वाला सेट ख़त्म होगा तभी ये वाला यूज़ करना है, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा है, पर आखिर में वो कन्विंस हो गया। बहुत बार राहिने इस तरह के कार्टन्स के साथ भी खेलता है और ये वन ऑफ द कार्टन्स है जिसमें उसने विंडो बनवा ली है उसके डैडी से, और अब बहुत देर तक राहिनी यही खेलेगा। आज हमारे स्नैक में मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है तो मैं बना रही हूँ आलू भुजिया वाले समोसे। इसकी भी डिटेल रेसिपी मैंने द टेरेस किचन पर पोस्ट कर दी है। फटाफट जब भी समोसे खाने का मन हो और कुछ अलग खाना हो तो ये जल्दी से बन भी जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। मैं मिनी समोसे बना रही हूँ और मिनी समोसे फ्राई करने में नॉर्मल बड़े समोसे जितना टाइम भी नहीं लगता है। राहिने ने कल रागी इडली भी शौक से खाई और आज वो समोसे भी बड़े शौक से खा रहा है, जबकि उसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज है और चॉप किया हुआ पुदीना भी है। अभी जस्ट रात हुई है, यानी शाम के बाद जो अंधेरा शुरू हो जाता है वही टाइम हुआ है, और हमने बहुत टाइम से ये प्रोक्रेस्टिनेट करके रखा था राहिने का हेयर कट, फाइनली टाइम आ गया है, लेके जा रहे हैं क्योंकि आंखों तक बाल आने लगे हैं राहिने के। हेयर कट में हार्डली कुछ टाइम लगता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम डिले कर देते हैं। राहिने का हेयर कट हो गया है और दादी ने गर्म पानी रखा होगा क्योंकि हेयर कट के बाद तो नहाना पड़ता ही है। शाम का स्नैक भी अच्छा हो गया था, हैवी हो गया था, तो हल्का फुल्का डिनर आई बना रही है और मैं साथ साथ में कर रही हूँ एडिटिंग। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरे ये कंप्यूटर ग्लासेस, 0 पावर के हैं।
गुड मॉर्निंग राहिन्य, गुड मॉर्निंग। आज कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी के घर। और हेयर कट हुआ है? देखो हेयर कट। आहा, किसने किया? आज छुट्टी का दिन है और मैं और राहिन्य जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर। ठीक है, कूदना नहीं, जंप नहीं करना। राहिन्य बहुत एक्साइटेड है और खुश भी है क्योंकि नाना नानी के घर में प्रिशा भी होती है और राहिन्य बहुत देर तक प्रिशा के साथ खेलता है। हम पहुंच गए हैं। मम्मी ने कहा था कि संक्रांत के आसपास एक बार घर आना, तो रेगुलर हल्दी कुंकू मम्मी अलग करेगी, पर एक सुहागन को मम्मी को अलग से हल्दी कुंकू करना था और साथ में कुछ देना था, तो मम्मी ने कहा तू ही आ जा। राहिन्य और प्रिशा दोनों ही सुपर हैप्पी हैं। ये मतलब किसी दे स्माइल से हेलो। मम्मी पापा एक शादी अटेंड करके आज ही गांव से आए हैं, तो कुछ सब्जियां मम्मी तोड़ रही है जो गांव से लेके आए हैं, और राहिन्य और प्रिशा अपना अपना खेल रहे हैं। साथ ही मम्मी लेकर आई है अलग अलग टाइप के बनाना चिप्स, तो एक है प्लेन वाला, एक है मिर्च वाला, लाल मिर्च वाला, और एक है टमाटर फ्लेवर का, तो हम सभी को टमाटर वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा। राहिन्य और प्रिशा काम फैलाकर, सारी चीजें फैलाकर अपना अपना काम निकाल रहे हैं, यानी दोनों फिलहाल ड्रॉइंग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ खेलना और ड्रॉइंग करना इनका चलता ही रहता है। खत्म हो गया वो। मम्मी के घर के नीचे ही मैं हेयर कट के लिए आई हूँ। मुझे बहुत टाइम से हेयर कट करना था। लेंथ ज़्यादा कम नहीं करनी है, पर लेयर्स ऐड करनी है, तो मेरा हमेशा का जो हेयर कट होता है लेयर्स में ऐड करती हूँ एंड फ्रंट में फ्रिंजेस बनाती हूँ, मतलब कटवाती हूँ। वही सेम मैं आज भी कर रही हूँ। मेरा हेयर कट बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही हुआ है। और मैं क्या करती हूँ, फ़ोटोज़ लेकर जाती हूँ अपनी ही पुरानी या फिर कोई इंटरनेट से, और इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ कि मुझे ऐसे ही चाहिए, एंड आज बिल्कुल अच्छा हो गया है। दोनों बच्चे एकदम मस्ती के मूड में हैं, बहुत खुश है। अब ये बार बार मैं कह रही हूँ पर यही ट्रुथ है, दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल गई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कितना खेलें। वीकेंड पर मैं आई हुई हूँ, यानी जस्ट एक नाइट मम्मी के यहाँ रुकी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वापस घर जाऊंगी। हम जा रहे हैं हमारे घर, मम्मी को भी लेकर जा रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, और आज इवनिंग में है राहिन्य की फर्स्ट सिंगिंग क्लास।
Thank you.